एक तो रोड पे पशु और उसके बाद इतने हादसे और अब एक लंपी वायरस इसने झकझोर कर रख दिया है। इसको लेकर प्रशासन जो है अब अलर्ट पर है, हरियाणा सरकार अलर्ट पर है। डीसी सुशील सारवान जी हमारे साथ, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, वायरस फैल रहा है तेज़ी से, क्या कर रही है सरकार और आप लोग अब आगे एक्शन क्या ले रहे हैं? लंपी स्किन डिजीज़ जो है ये पशुओं में होती है और इसका जो इन्फेक्शन है वो मक्खी मच्छर से भी फैलता है। अभी हमने एक तो पशु मेला जो लगते हैं उन पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही हमने इस ज़िले से पशुओं को ले जाने या इस ज़िले के अंदर लाने पे भी प्रतिबंध लगा दिया है, चाहे वो बासके ज़िले से हो चाहे वो किसी और स्टेट से हो, सभी पे प्रतिबंध लगेगा। और हमने वैक्सीनेशन ड्राइव चला दी है जिसके अंदर हम इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट सभी पशुओं को वैक्सीनेट कर रहे हैं। अभी भी मैं गौशाला में ही गया हुआ था, वहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही थी, उसका खुद देखकर आया हूँ। और हमारे यहाँ पे 74,480 की हमारी कैटल पॉपुलेशन है, जिसमें से 21,127 हमारी गौशालाओं में हैं, बाकी अलग अलग पशुपालकों के पास हैं। तो हम सभी को इनको चिन्हित करके और वैक्सीनेट करा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कुछ स्ट्रे एनिमल्स भी घूमते हैं, स्ट्रे एनिमल्स को भी सबको वैक्सीनेट किया जाएगा। और साथ ही मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो भी दूध का इस्तेमाल करना है, जो भी मिल्क है, उसको पूर्णतः उबाल कर करना है। हालांकि ये बीमारी पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलती है, परंतु फिर भी एहतियातन तौर पे कच्चे दूध का इस्तेमाल जिला निवासी ना करें, दूध को लेकर उसको पूर्णतः उबालें और उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें ताकि वो कीटाणु रहित हो जाए। सर, ये पता लग पाया है कि कहाँ से ये बीमारी आ रही है और तेज़ी से फैल रही है कि अभी ठीक है? अभी इस बारे में अनुसंधान चल रहा है और सौभाग्यवश हमारे ज़िले में अभी भी एक भी केस LSD का, लंपी स्किन डिजीज़ का, रिपोर्टेड नहीं है। सर, कैसे पता लगता है कि इस गाय को या इस पशु को लंपी? उसमें एक तो लंप्स वगैरह उसके स्किन पर आ जाते हैं, फोड़े फुंसी निकल जाते हैं और उसकी आँख से और नाक से पानी बहने लगता है। तो ये जो वैक्सीन लगा रहे हैं इससे बिल्कुल आराम आ जाएगा? हाँ जी, इस वैक्सीनेशन से उनको बहुत आराम रहेगा और प्रिवेंशन रहेगी इसका। अच्छा, रोड के ऊपर जो है इनके ऊपर, इनको भी वैक्सीन? इनके लिए भी बकायदा मोबाइल टीम बना दी गई है, इस कार्य को संपूर्णतया से किया जाएगा। तो साथ के साथ एक और काम कर दो, जब लग ही रहे हैं तो इन पशुओं को रोड से हटाना शुरू करवा दो, वो इसी टीम को साथ में निगम की टीम लगाएं जी, दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे जी। इस पे भी हम संज्ञान ले रहे हैं। धन्यवाद। तो बिल्कुल, DC साहब थे हमारे साथ और बता रहे थे कि कैसे जो है लंपी वायरस के ऊपर अब कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन क्या क्या उपाय बता रहा है। मेले जो लगते हैं पशु मेले, उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।